अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कराची यूनिवर्सिटी ने बीएससी बीकॉम बीए की जगह एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है और अब कराची यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स का एडमिशन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूँ। एचईसी के अहकाम के मुताबिक बीए बीएससी बीकॉम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, इसकी जगह अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स होंगे। जो कोर्स आउटलाइन सिलेबस और रूल्स बीएससी बीकॉम बीए के लिए थे वही एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी होंगे और बीएससी बीए बीकॉम के लिए जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम था वही एग्ज़ामिनेशन सिस्टम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में भी होगा। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अब आते हैं एडमिशन शेड्यूल की तरफ। आप सबकी आसानी के लिए मैंने अपने वेबसाइट पे एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है जिस पे मैं डेट्स अपडेट करता रहता हूँ। आप educationincarachi.net पे जाएंगे, इसमें फॉर्म्स में यहाँ पे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स पार्ट वन के फॉर्म्स। यहाँ पे अभी तक मैंने पार्ट टू को ऐड नहीं किया है क्योंकि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स का पार्ट टू अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी पार्ट वन होगा उसके बाद पार्ट टू होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये डेट्स है, ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स। फिलहाल सारे प्रोग्राम्स की डेट सेम है, जैसे ही डेट आगे बढ़ती है या न्यू डेट आती है वो मैं इसी सेक्शन में अपडेट करता रहता हूँ, तो आप किसी भी वक्त इस पेज पे डेट्स देख सकते हैं। एडीपी के फॉर्म्स उन कॉलेजेस में आ चुके हैं जिनमें पहले बीएससी बीकॉम बीए होता था। एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट 17 सितंबर है और इनरोलमेंट फॉर्म की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इसी तरह एडीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स, इसकी भी सेम डेट्स है, और एडीसी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स, इसकी भी सेम डेट्स है। इस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।